मांगा है 9000 पेंशन मिलना चाहिए और उसको महंगाई भत्ता चाहिए, हमको अनाज मिलना चाहिए कार्ड पर जो नहीं मिलता लोगों को। भाजपा का विरोध करेंगे, इनके जो सपोर्ट में पार्टी है उनको वोट नहीं देंगे। कभी अजीत पवार का आदमी रहेगा, कहीं पर वो शिंदे का आदमी रहेगा, कहीं पर भाजपा का आदमी रहेगा। सर चोर चोर इकट्ठा हो गए तो आप लोग यहाँ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग है 9000 पेंशन मिलना चाहिए और उसको महंगाई भत्ता चाहिए, हमको अनाज मिलना चाहिए कार्ड पर जो नहीं मिलता लोगों को, प्रवास की सुविधा मिलना चाहिए और आरोग्य सुविधा हमको मिलने चाहिए। बुढ़ापे में आजार रहते, BP है, शुगर है, इस पर सरकार की ओर से फिर भी हमको मिलना चाहिए। क्यों? कि देश को आगे हमने बढ़ाया, 35 साल सेवा किया हमने, देश को आगे हमने बढ़ाया, इन्होंने नहीं बढ़ाया। तो अभी आप लोगों को कितनी पेंशन मिल रही है? अभी 900 रुपये मिल रही मेरे को। तो आप चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन फिर से लागू? ओल्ड नहीं, ओल्ड न्यू पेंशन से हमारा संबंध है। ओल्ड पेंशन जो है सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, हम कामगार लोग है, ये इंडस्ट्री में काम करने वाले, MSME में काम करने वाले, ST में काम करने वाले, टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले, कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाले और ये खासगी बैंक है उसके काम करने वाले, ये सब लोग है। वो कर्मचारी हम सरकारी नहीं है जो ओल्ड पेंशन है, हम NPS के भी मेंबर नहीं है, हम EPS के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो 95 में आई तो उसमें 1 रुपया पेंशन लेने वाले 74 लोग थे, तो हमने रेल रोको किया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1000 रुपये दिए हमको 3 मार्च 2014 और हमारा दुर्दैव उस दिन ऐसा रहा 5 मार्च को आचार संहिता लग गई और वो सब मामला भाजपा के इधर आ गया। भाजपा ने 5 महीने के पैसे खाए हमारे, अप्रैल से शुरू करना था, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 1 सितंबर से मिनिमम 1000 पैसा शुरू किया है पेंशन, 5 लाख विधवा को 1000 मिलता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये 1000 की व्याख्या उन्होंने 25 साल सर्विस पर किया और अगर 58 साल होने के पहले तू रिटायर है तो 1 साल के 40 रुपये कम मिलते, तो 800 भी मिलते, 500 भी मिलते, 900 भी मिलते पेंशन, और 900-800 में 1000 रुपये में 2 जुर्मरत का क्या होने वाला है? कैसा जिएंगे, कैसा खाएंगे, कैसी दवा लेंगे? तो ये सरकार ये मजदूरों को मारना चाहती है, हम मरेंगे नहीं, तुमको मारेंगे। अभी आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं और महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, तो अगर आपकी मांगे जल्द से जल्द नहीं सुनी जाएंगी तो आप लोग इसमें आगे आप लोगों की क्या योजना है चुनाव में लेके? चुनाव के अंदर हम महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने वाले हैं, भाजपा का विरोध करेंगे, इनके जो सपोर्ट में पार्टी है उनको वोट नहीं देंगे। कभी अजीत पवार का आदमी रहेगा, कहीं पर वो शिंदे का आदमी रहेगा, कहीं पर भाजपा का आदमी रहेगा। सर चोर चोर इकट्ठा हो गए, तब महाविकास पार्टी को समर्थन देंगे, सपोर्ट देंगे और सरकार भी लाएंगे। कि सरकार मतलब भाजपा के विरोधियों की सरकार लाएंगे? हाँ, मोदी के विरोध में लाएंगे। कि जिस मोदी ने भोपाल के अंदर भाषण किया कि 70,000 करोड़ और अजीत पवार ने पैसे खाए, दूसरे दिन अजीत पवार गया तो वो मुख्य उप मुख्यमंत्री है, क्या है नाम उसका, फडणवीस, आप फडणवीस के पास की मशीन है, यानी इधर से डालो वो धोखे आता बाहर, पाप मुक्त हो जाता। अपन गंगा में जाते थे पहले पाप धोने के वास्ते, अभी पाप धोने के वास्ते भाजपा पर जा रहे लोग और धोखे फिर उप मुख्यमंत्री बना है। अभी वो लाड़की बहन योजना चालू किया, पैसा नहीं है दात खाने को, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, विकास काम के पैसा नहीं है, फिर फुकट बांटने के वास्ते है। ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये सरकार, भी नहीं चलेगी योजना, भी नहीं चलेगी। उनका तो कहना है कि फिर से हम सरकार बनाने वाले वहाँ, वो तो हरेक का कहना रहता कि मैं PM बनूंगा, मैं भी बोल सकता हूँ नहीं बनते, पब्लिक के ऊपर है ना। और ये चाल जो है तुम्हारी मशीन की महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलने वाली, हम हरा देंगे इनको। उनका कहना पेंशन को लेकर जब वो सरकार बात होती है तो उनका कहना किससे खर्चा बढ़ेगा तो वो कहाँ से करें, इस तरह की चीजें होती है। का पेंशन हमारी प्रीपेड है, हमारा पैसा पेंशन के वास्ते हमने पैसा जिंदगी भर जमा किया, 71 में 1.16 हमारा गवर्नमेंट का 1.16 और सरकार का 1.16 तो ये जमा होता था। 95 में पेंशन स्कीम लाए
तो हमारे मालक का 8.83, हमारा 1.16 और गवर्नमेंट का 1.16 है। कोश्यारी कमेटी ने बोला कि बजटरी सपोर्ट दो और 8.33 गवर्नमेंट का ये करो, इनको पेंशन दे दो, तो हमारे 9000 पूरे बैठते। 8.33 अगर बजटरी सपोर्ट किया तो 9000 महंगाई बैठ सकते। क्यों नहीं सरकार देती है? क्यों अडानी अंबानी को बांट रहे? सब बैंक का डील कर दिया, पूरे बैंक का घाटे में, और जो मिनिमम बैलेंस ने पैसे कमाए ना, 7000 करोड़ कमाए, जो गरीबों को ये क्या फाइन किया, ये इनकी नीति है, गरीब को लूटना और उद्योगपतियों को बांटना, 16 लाख करोड़ रुपए बांट दिए इनको, क्या उनका उपकार है देश पर? देश पर हक है ये मजदूरों का, ये किसान का, जो अब खाना खा रहे दो टाइम, तुम किसान की मेहनत है ना, मिलो खाया आपने नहीं खाया, क्योंकि उम्र कम थी तुम्हारी, हमने खाया 71 में, मिलो खाया 2 आने किलो, अमेरिका सुअर का खाद्य था, ओनली फॉर एनिमल फूड, उस पर हम जी, हमारे काश्तकार ने मेहनत की, और आज जिस ये अवस्था में देश है कि अपन एक्सपोर्ट कर रहे, अनाज एक्सपोर्ट कर रहे, तो ये 80 करोड़ लोगों को बांट रहे, उपकार थोड़ी कर रहे, वो तो काश्तकार की मेहनत है, इस देश का काश्तकार है और सैनिक है, इनको सैल्यूट मारना चाहिए तुमने और हमने, सरकार ने भी, और तीसरा मजदूर है जिसने ये देश की ताकत बढ़ाई, देश को आगे बढ़ाया, यहाँ सुई नहीं बनती थी, सब बना रहे अब देश में बना रहे हैं, इनका कोई मेहनत नहीं है, इनका कोई आशीर्वाद नहीं, जो बनाया वो ये 14 के पहले बना बनाया देश है, 47 के पहले की है नहीं, तो उसको क्या अक्ल है? हमारे बाप दादाओं ने क्या किया? अक्ल नहीं, अभ्यास नहीं, वो लोग कुछ भी बोलते हैं, कंगना रानावत के बोलने के वास्ते कुछ भी नहीं है, वो टिकट मिलने के वास्ते वैसी बोली, मिल गया टिकट, बन गई एमपी, अब जिंदगी भर पेंशन मिलेगी, 5 साल पगार मिलेगा, जमगाना नाटक, सिर्फ इतना बोलना पड़ता कि मोदी ने स्वराज दिलाया है देश को, बस खासदार बन गए ना, अभी बंगला गाड़ी विमान का सहूलत, रेल का सहूलत सब मिलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।